कौन सा भूत? ओ भूत पिशाच वाला भूत। भूत पिशाच वाला भूत? ऐसा वाला ही भूत आया था। अरे क्या बोल रही हो माधवी, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? वो अफवाह नहीं है, सच है। सुनी चाहे ना अपनी सब्जी वाली सुनीता, वो बता रही थी कि स्वामी सोसाइटी में पिछले 5 दिन से लाइट चालू बंद हो रही थी और इस बात से पूरी सोसाइटी डर गई थी। इस पर डरने वाली कौन सी बात थी माधवी, लाइट में प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना चाहिए था, रिपेयर कर देता वो। तो आपको मजाक लग रहा है, स्वामी सोसाइटी वालों ने भूत को भगाने के लिए एग्जिट बाबा को बुलाया था। से बुलाया था एग्जिट बाबा, जो भूतों की एग्जिट कराते हैं वो। फिर उन्होंने भूत को भगाया और उन सबको कहा कि अपने अपने घर में आप नींबू मिर्ची बांध दो तो भूत नहीं आएगा। अच्छा तो कुल मिला के भूत चला गया ना? हाँ। बस ठीक। एक मिनट, वहां से तो वो भाग गया है लेकिन हमारी सोसाइटी में आ गया तो। तू शांत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं शांत हो गई हूँ, अभी ना हम लोग नींबू मिर्ची बांध देते हैं। आप एक काम कीजिए, मार्केट जाइए और नींबू मिर्ची लेकर आइए और पूरी सोसाइटी के लिए लेकर आना। हा? देखो माधवी, ये भूत भूत ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। आप कुछ मत सोचिए, आप बस ना नींबू मिर्ची लेकर आइए बस। लेकिन हमारे सोसाइटी में क्यों आएगा भूत? क्यों, हमारी सोसाइटी में उसको नो एंट्री है। कमाल करता तुम्हें, भूत हवा की तरह होता है, कहीं से भी आ सकता है वो। ठीक है ठीक है, मैं जाके नींबू मिर्ची लेके आता हूँ। हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करूंगा, जीतू भाई मेरे दोस्त है वो, पता तो चले सच क्या है। सुनी तो थोड़ी खोटा बोलना रहे। अरे क्या बात है, गोकुल धाम सोसाइटी के एक न्यू सेक्रेटरी साहब का मुझे फोन आया। बोलो बोलो कैसे याद किया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ जीतू भाई? ये भाई आप क्या सुन रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, मेरा मतलब है मैंने सुना कि आपके सोसाइटी में भूत आया था। आप भूत में मानते हो? एक टीचर होकर आप ये सब में मानते हो? अरे मैं नहीं मानता ना, इसे सच जानने के लिए फोन लगाया आपको, पता है जरा सच क्या है? अरे भूत में तो मैं भी नहीं मानता हूँ। अब सोसाइटी की लाइट खराब हो गई होगी तो चालू बंद हो रही थी। अब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे है जो भूत उत में मानते है, अब उन लोगों ने वो भूत वाली बात फैला दी होगी और बाबा को बुला लिया। अब मैं किसी को मना भी तो नहीं कर सकता ना। क्या बताऊं भेड़े भाई, मेरी वाइफ ने भी घर के बाहर नींबू मिर्ची बांध दिया है। क्या कर सकते, बीवियां होती है ऐसी है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, बाय बाय। ओके ठीक है। सुना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, या तो वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हुआ होगा या तो वहाँ पे भी कोई टप्पू जैसा शरारती बच्चा होगा जिसने मस्ती की होगी और लोगों ने उसको भूत का नाम दे दिया। अभी हम भी आंखें बंद करके उनका अनुकरण करेंगे तो दूसरे हमारा अनुकरण करेंगे और इस तरह अफवाह फैल जाएगी और इसी बात का फायदा उठा के व्यापारी लोग मार्केट में से नींबू मिर्ची गायब कर देंगे, फिर ब्लैक में बेचेंगे। बरोबर है माँ, इस अफवाह को रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने खड़ा है, तुमको रोकना चाहिए। अभी आप नींबू मिर्ची लेकर आइए। अरे अभी इतना समझा है फिर मांग रही हो तुम? अहो आपल्या घरासाठी हवी आहे, नाश्ते के लिए पोहा बनाऊंगी तो नींबू चाहिए ना। ठीक है मैं बाद में लेके आऊंगा, मुझे पहले पेपर चेक करने, मेरे लिए चाय बनाओ तब तक। आंटी कमाले भाई का ही बोलते। जैसी करनी वैसी भरनी, ये स्विचर तो अच्छा लिखा है मैंने, लेकिन आज सुनीता ने जो महिला मंडल को डरा दिया है ना, उस बात के संदर्भ में दूसरा स्विचर लिखना पड़ेगा। विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है पर अंधविश्वास उसे कमजोर बनाता है, आज के लिए ये सही सुविचार। अरे चाचा जी सुप्रभात। अरे सुप्रभात बिल्डिंग मास्टर, सुप्रभात। सुबह मैंने तेरा सुविचार पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा था, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ लेकिन मैंने अभी सुविचार चेंज कर दिया। अच्छा, विश्वास इंसान को
मजबूत बनाता है पर अंधविश्वास उसे। मैं पढ़ रहा हूँ ना भाई। ओ अच्छा, मुझे लगा आपको तो। अरे मैं मन में पढ़ रहा हूँ। ओ पढ़िए पढ़िए। हाँ, हर चीज जोर से बोलनी थोड़ी जरूरी है। करेक्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुविचार लिखा है तूने। लेकिन ये सुविचार बदला क्यों तूने? अरे वो क्या हुआ चाचा जी, वो अपनी सब्जी वाली है ना सुनीता, उसने महिला मंडल को बताया कि अपने बाजू में जो स्वामी सोसाइटी है ना। अरे वो चौराहे पे वही ना? हाँ हाँ वही वही। तो वहाँ पे चार पांच दिनों से लाइट चालू बंद हो रही थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पे भूत है। ए, भूत? ए, चाचा जी आप डरिए मत। जैसे मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उस सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है जीतू भाई। तो मैंने उनसे बात की और उनको पूछा कि ऐसा कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा कि भूत है ना? नहीं नहीं चाचा जी, उनका कहना है कि वहाँ पे भूत नहीं है। तो फिर सुनीता ने ऐसा क्यों बोला? अभी क्या है ना चाचा जी, आधे लोगों का मानना है कि वहाँ पे भूत है और आधे लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसने मस्ती की हो। नहीं नहीं, पक्का वहाँ पे भूत होगा, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन चाचा जी आप कहीं जा रहे थे ना? हाँ मेरे दोस्त के घर जा रहा था, लेकिन अभी नहीं जाना। अरे क्यों क्यों, क्या हुआ क्या? क्योंकि मेरा दोस्त वो स्वामी सोसाइटी के बाजू वाली सोसाइटी में ही रहता है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे चाचा जी मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भूत है, लेकिन हकीकत में भूत कुछ नहीं होता है। अरे होता है। नहीं होता है। अरे होता है। चाचा जी आप जाइए आपके दोस्त के घर, कुछ नहीं होता है भूत, जाइए आप। ठीक है हाँ। मैं घर ही जाता हूँ। चाचा जी, चाचा जी देखिए, अगर आप ही इस बात पे यकीन करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा? मुझे क्या मालूम। अरे लोगों को यही समझाने के लिए तो मैंने आज का सुविचार बदल के फिर से लिखा है। विश्वास इंसान को वो पढ़ा मैंने मजबूत बनाता है, लेकिन अंधविश्वास उसे अरे वो पढ़ा मैंने कमजोर बनाता है। मुझे उस सोसाइटी के तरफ जाना ही नहीं। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं भूत की बात कर ही नहीं रहा था। आपके अंदर जो डर है वो निकाल दीजिए, ये भूत उससे वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मैं तो कहता हूँ बिंदास चाहिए, बिंदास। ठीक है, तू मुझे वहां तक छोड़ दे। मैं क्यों? क्यों तू मुझे वहां तक नहीं छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकता हूँ ना। हाँ तो छोड़ दे। लेकिन आपको वहाँ पे जाना कहाँ है? अरे बताया तो सही, मेरे दोस्त के घर जाना है। हाँ वो ठीक है, लेकिन दोस्त का नाम क्या है? मुझे क्यों जानना है? नहीं क्या है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ तो दूंगा चाचा जी, लेकिन मेरे यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ हो गया तो जेठा मुझे नहीं छोड़ेगा ना। मतलब वहाँ पे सच में भूत है, मैं घर ही जा रहा हूँ। चाचा जी मैं भूत की बात नहीं कर रहा था। अरे तो और क्या हो सकता है मुझे? आप खो जाते हो। मेरा मतलब है चाचा जी कि हम लोग जब भी बाहर गए हैं आपको कुछ हुआ ही है, कुछ ना कुछ मुसीबत आई है आपके सर पे, और फिर बाद में जेठा ने मुझे बहुत सुनाया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि आपके दोस्त का नाम तो बता दीजिए मुझे। राहुल जी, बस खुश। हाँ। चल अभी छोड़ दे। अरे लेकिन चल के क्यों जाना है, सकरम पे जाते हैं ना। हाँ। हाँ? आप यहाँ रुकिए, मैं सकरम लेके आता हूँ। अरे क्यों, मैं भी तेरे साथ आऊंगा भाई। चल चल। तो हो, अरे आ रहा हूँ चाचा जी, आ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ रहा हूँ। बागा सेठ जी के आते ही इन सारे चेक पर सही करा लेना। ठीक है नट्टू काका, लेकिन हमारे पगार के चेक पर आप सही करवाना। नट्टू काका, ये सेठ जी हमारी पगार कब बढ़ाएंगे? बागा डोंट वरी, इसके लिए मैंने एक आइडिया की है। मैंने चेक में अमाउंट ही नहीं डाली है, वो चेक देखेंगे तो तुरंत पूछेंगे कि अमाउंट क्यों नहीं डाली, तो हम बोलेंगे कि सेठ जी आप पगार कब बढ़ाने वाले हो। नट्टू काका वाह, क्या मस्त आइडिया लगाया आपने। लेकिन बागा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। ले क्यों? सेठ जी को हम बार बार कहते हैं फिर भी हमारा पगार नहीं बढ़ाते, बार बार एक ही बात करने का क्या फायदा, वही पुरानी रकम लिख देंगे। नट्टू काका हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि क्या है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़े सयाने भी कह के गए हैं कोशिश करते रहने से हमें उसका रिजल्ट एक ना एक दिन मिलता ही है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बावरी जी का फोन। देख बागा, बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए। हाँ तो नट्टू काका बावरी जी दुकान में नहीं आ सकते, उनका फोन तो आ ही सकता है ना। बोलिए बोलिए बावरी जी। कैसे हैं बागेश्वर जी? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और अभी आपसे मिलने दुकान आ रही हूँ।
क्या आप दुकान आ रहे हैं? नहीं भागा, सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ नहीं 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 बावरी जी, आप प्लीज दुकान मत आइए। सेठ जी ने आपको दुकान आने से सख्त मना किया है। हे भगवान, बावरी यहाँ पे आ गई, तभी सेठ जी यहाँ पे आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी सेठ जी दुकान में है? नहीं वैसे अभी तो बैंक गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, तो मैं आ रही हूँ। और आपके सेठ जी आने से पहले मैं चली भी जाऊंगी। नहीं नहीं बावरी जी, प्लीज आप दुकान में मत आइए। नहीं नहीं मैं आती हूँ, मुझे आपसे मिलना है। आप कहाँ हैं इस वक्त? आपके पीछे बागेश्वर जी। बावरी जी आप? हाँ मैं यहीं पर थी। अरे तो फिर आपने फोन क्यों किया? वो मैं आपके गिफ्ट किए हुए फोन से सबसे पहला कॉल आपको करना चाहती थी, इसलिए। आई लव यू बागेश्वर जी। आई लव यू टू बावरी जी। भागा। बावरी जी आप यहाँ दुकान में क्यों आई हैं? क्यों? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं आप ही तो मेरी खुशी हो। तो फिर मुझे देख के आपके चेहरे पे टेंशन क्यों आ गया? क्योंकि भागा को सेठ जी ने सख्त शब्दों में कहा है कि बावरी यहाँ नहीं आनी चाहिए। हाँ बावरी जी, और अगर सेठ जी अभी दुकान में आ गए और उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको और मुझे दोनों को बहुत डांटेंगे। और अगर वो आपको डांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? बावरी जी प्लीज आप अभी यहाँ से जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन आपके लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वो देकर जाऊंगी। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? हाँ, आपके और गट्टू काका दोनों के लिए लाई हूँ। गट्टू काका नहीं बेटा, नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या गिफ्ट लाए हैं आप? पहले आप दोनों आंखें बंद कीजिए, फिर ही गिफ्ट दूंगी। अरे बावरी जी, अगर आंखें बंद कर लूंगा तो गिफ्ट देखूंगा कैसे? नहीं बागेश्वर जी, आप आंखें बंद कीजिए, फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगी। अरे बावरी जी प्लीज बागेश्वर जी, कीजिए ना आंखें बंद। भागा फटाफट आंखें बंद कर, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो बहुत चिल्लाएंगे। ठीक है बावरी जी, ये लीजिए बस। आप भी आंखें बंद कीजिए। बागेश्वर जी, नट्टू काका, आप दोनों ना अपनी आंखें बंद ही रखना, आप दोनों को मेरी कसम। अरे बावरी जी ये प्लीज। ठीक है बावरी, जल्दी आ जाना वरना सेठ जी आ जाएंगे। हाँ हाँ अभी आए। नट्टू काका आप भी आंखें मत खोलना, बावरी जी ने आपको भी कसम दी है। ये दोनों दुकान के बीचों बीच आंख बंद करके क्यों खड़े हैं? ये चाचा भतीजा रोज कोई ना कोई नया कर्तव्य लेके आते हैं। सर कौन? अरे कौन क्या, अभी आप दोनों मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। देखा बागा सेठ जी आ गए। आ गए मतलब बैंक की तो गया था, बैंक से दुकान तो आने ही वाला था ना, सीधा घर थोड़ी जाने वाला था। अरे तुम दोनों ने आंखें क्यों बंद कर रखी है, आंखें खोलो। सेठ जी आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन हम आंखें नहीं खोल सकते। क्यों चिपक गई है? अरे कैसे चिपकी, कौन से टीपे डाले थे आंख में और क्यों? सेठ जी हमने आंख में कोई टीपे यानी कि कोई आई ड्रॉप्स नहीं डाले है, हमारी आंखें चिपकी हुई भी नहीं है, हमने आंखें बंद रखी है। अरे पर क्यों? वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कौन से वाले? कौन से वाले?
हाँ जो दिख रहे हैं वो तो खुले हैं। हाथ बंधे हुए हैं मतलब ऐसे नहीं, वो दरअसल हम मजबूर है, हमें कसम दी गई है। किसने कसम दी, किसी चोर ने? नहीं। हाँ क्या? वो चोरी तो है, मेरे दिल की चोर। शेख, अरे भाई पहेलियां बुझाना बंद करो, या बताओ तुम दोनों को किसने कसम दी आंख बंद रखने की? मैंने। बाहुरी तू? हाँ मैं। अरे तूने क्यों इन दोनों को आंख बंद रखने की कसम दी? दरअसल मैं इनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाई थी, पर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई और वो मैं स्कूटर की डिक्की में ही भूल आई। इसलिए मैंने इन दोनों को कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ अपनी आंखें मत खोलना। प्लीज आपको मेरी कसम। हाँ तो अभी तो गिफ्ट लेके आई ना? हाँ तो दे गिफ्ट दे और आंखें खुलवा इनकी भाई। ये पकड़िए ना प्लीज। मैंने चल भाई हो क्या ना, अभी तो लोग आंख खोल सकते हैं ना। हाँ हाँ तो बोल। अरे मुझे हाँ मत बोल, इनको बोल। ओ हाँ हाँ कसम ओवर, आप दोनों आंखें खोल सकते बहुत मस्त गोगल्स हैं। हाँ थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू क्या, आपने भी मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया ना, तो आपके लिए मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। बेटा बावरी, मैंने तो तुझे कोई गिफ्ट नहीं दी, फिर भी तूने मुझे रिटर्न गिफ्ट दी। अरे भाई मिल गई ना गिफ्ट, नहीं चाहिए तो वापस देता भाई। बंद करो अभी ये गिफ्टम गिफ्टी, काम के टाइम पे क्या ये सब। बावरी मैंने तुझे कितनी बार बोला है काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का। नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए दुकान आई थी, मैं गिफ्ट दे के जाने ही वाली थी, पर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई उसकी वजह से। तेरी ये गलती से मिस्टेक की वजह से मेरा तो नुकसान हो जाता ना। आपका नुकसान कैसे? कैसे अबे समझाता हूँ बेटा। तुम दोनों दुकान के बीचों बीच ऐसे आंख बंद करके खड़े थे, इतने में कोई चोर दबे पाँव दुकान में आके कुछ चोरी करके ले जाता तो मेरा नुकसान नहीं होता। सॉरी सेठ जी। और बावरी जी, सेठ जी ने तो आपको बोला ही है, मैंने भी आपको कितनी बार बोला है कि काम के टाइम पे आप दुकान में मत आइए। आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। बाद में मतलब? 5-6 साल के बाद। नहीं मतलब सेठ जी का कहने का मतलब है 5-6 घंटे बाद, मतलब दुकान बढ़ाने के बाद। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? वो प्रॉमिस नहीं देगा। तो आप देंगे? अरे प्रॉमिस तू दे कि आज के बाद तू दुकान में काम के टाइम पे बगा से मिलने नहीं आएगी। प्रॉमिस दे के जा। प्रॉमिस लेने ही जा रही थी, लेके आती हूँ। रुक रुक, प्रॉमिस नहीं है ना, ठीक है चल कसम दे। कसम तो रहती है ना तेरे पास? नहीं। ए झुठड़ी, अभी तो दी इन दोनों को। नहीं वो लात बची थी, मैंने दे दी, मैंने कहा ना कसम ओवर बाय। दोस्तों जेठालाल की जिंदगी के हर किस्से में हंगामा है, या फिर यूं कहें कि हंगामा जेठालाल की जिंदगी का हिस्सा है। अब देखिए ना, जेठालाल के दुकान में आते ही वो देखता है कि नट्टू काका और बाघा आंख बंद करके खड़े, जिसका कारण है बावरी। बावरी जिसके दुकान में आते ही बाघा की जिंदगी रंगों से भर जाती, उसी बावरी के वजह से जेठालाल की जिंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं। एक तरफ जेठालाल के लाख मना करने के बावजूद बावरी दुकान में आ जाती है, तो दूसरी तरफ नट्टू काका और बाघा
जेठालाल से पगार बढ़ाने की बात करने वाले। इन दोनों को बावरी से तो गिफ्ट मिल चुका है, लेकिन क्या जेठालाल इन दोनों की पगार बढ़ाएगा या फिर जेठालाल के गुस्से से इनका ब्लड प्रेशर हाई? दोस्तों जो भी होगा हंगामे के साथ होगा, और इसी हंगामे की वजह से आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशियों के ठाके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।